बहुत जल्द पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद, मुजीब रहमान शामी ने अंदर की बात बता दी। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी मुजीब रहमान शामी का कहना था कि इस वक्त तहरीक इंसाफ अकेली रह गई है और इस पर एक यलगार है। वो यलगार या तो उनके अपने फैसलों और इकदाम की वजह से है या दूसरों के फैसलों और इकदाम की वजह से है, लेकिन उसको जो भी नाम दे दें, आज हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ मुश्किल में है और तन्हाई का शिकार है, जिसकी वजह से उसको जरूरत महसूस हो रही है कि सियासी जमातों से राबते होने चाहिए और एक वसीतर इत्तेहाद कायम होना चाहिए, जिसकी वजह से एक स्पेस निकल आए और तहरीक इंसाफ को मौका मिल जाए कि वो एक नॉर्मल सियासी जमात के तौर पर अपना किरदार अदा कर सके। सीनियर सहाफी मुजीब रहमान शामी ने कहा कि पहले पीटीआई के रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, लेकिन अब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से इशारा मिल रहा है कि दूसरी जमातों से भी राबिता किया जाएगा और पीपल्स पार्टी जो गुफ्तगू आजकल कर रही है उससे पता चलता है कि वो तहरीक इंसाफ के लिए हरी झंडी लहरा रही है या सफेद झंडा लहरा रही है, लिहाजा पीपल्स पार्टी भी तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए तैयार है और अगर ये सिलसिला आगे बढ़ा तो ये एक मुस्बत कदम होगा। Don't worry, Food Panda संभाल लेगा।